श्रावण मास में शिव जी के साथ नाग देवता की पूजा का भी विधान है। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा व रुद्राभिषेक करने वाले भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस साल नाग पंचमी पर विशेष संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में अनादि काल से नाग को देवता माना जाता है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, शीश, पद्म, कंबल, अश्वकर, शिंदपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल इन 12 देव नागों का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भय तत्काल खत्म होता है। ओम कुरुकुलम हुम पद स्वाहा मंत्र का जाप लाभदायक माना जाता है। कहते हैं कि नाम स्मरण करने से धन लाभ होता है। साल के 12 महीनों इनमें से एक एक नाग की पूजा करनी चाहिए। अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में अपनी नीच राशियों वृश्चिक, वृष, धनु और मिथुन में हैं, तो आपको अवश्य ही नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिनमें एक नाग देवता भी थे। जन्मेजय के नाग यज्ञ अर्थात सत्सत्र से आस्तिक मुनि ने नाग पंचमी के दिन सभी नागों को अपनी माता मनसा देवी के कहने पर बचाया था। पुराणों अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से ही नागों का जन्म हुआ है, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे अनंत, शेष वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इसके अलावा धृतराष्ट्र और कालिया नाग भी चर्चित हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं 10 प्रमुख नागों की जानकारी। शेषनाग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग पाताल लोक के राजा कहलाते हैं। कहते हैं इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक है। रामायण काल में लक्ष्मण शेषनाग के अवतार बताए जाते हैं, तो वहीं महाभारत में बलराम को शेषनाग का अंश माना गया है। शेषनाग कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के पुत्र हैं। नाग पंचमी पर इनकी पूजा का विशेष महत्व है। वासुकी। भगवान शिव के सेवक वासुकी है। समुद्र मंथन के दौरान मंद्राचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही नेति प्रसी बनाया था। त्रिपुरदाह के समय वे शिव के धनुष की डोर बने थे। महाभारत काल में उन्होंने विष से भीम को बचाया था। तक्षक। महाभारत काल में शमित मुनि के शाप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को दस लिया था। तब पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सभी सर्पों का नाश करने के लिए यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को समाप्त करवाकर नागों के प्राण बचाए। इस दिन सावन की पंचमी तिथि थी। यही वजह है कि इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। करकोटक। नागराज करकोटक शिव के गण थे। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचकर अवंतिका में छुप गए थे। पद्म नागों का गोमती नदी के पास के नैमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। असम के नागवंशी इन्हीं के वंश से है। महापद्म। विष्णु पुराण में सर्प के विभिन्न कुलों में महापद्म का नाम भी आया है। पद्म और महापद्म नाग कुल में विशेष प्रीति थी। शंख। नागों के 8 मुख्य कुलों में से एक है। शंख नागों पर धारियां होती हैं। यह जाति अन्य नाग जातियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान मानी जाती थी। कुलिक। कुलिक नाग जाति नागों में ब्राह्मण कुल की मानी जाती है, जिसमें अनंत भी आते हैं। ये अन्य नागों की भांति कश्यप ऋषि के पुत्र थे, लेकिन इनका संबंध सीधे ब्रह्मा जी से भी माना जाता है। धृतराष्ट्र नाग। वासुकी के पुत्र धृतराष्ट्र के पास संजीवनी मणि थी। जब अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया था, तब अर्जुन को जिंदा करने के लिए बब्रुवाहन ने धृतराष्ट्र से युद्ध करके वह मणि हासिल की थी। इस मणि के उपयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हो गए थे। कालिया नाग। कालिया नाग यमुना नदी में निवास करता था। उसकी जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उनका कालिया नाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़कर जाना पड़ा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।